Hey everyone, a very welcome to you all in our YouTube channel Humanities Kaksha. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CVT UG एग्जाम 2024 के लिए ज्योग्राफी के टॉप 20 MCQs, जो MCQs बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है एंड अपने जितने भी दोस्त हैं उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो इन ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? ये जो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म है उसका दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नियो डिटर्मिनिज्म। देखो, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म को नियो डिटर्मिनिज्म भी बोला जाता है, जिसको ग्रैफिट टेलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड मोस्ट पॉपुलियस नेशन इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में तीसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलियस नेशन कौन सा है? हमें पहले जानना पड़ेगा कि पहला और दूसरा कौन सा है। एज पर रिपोर्ट्स, हम रिपोर्ट्स की देखें तो पहला सबसे ज़्यादा पॉपुलियस कंट्री वर्ल्ड में है इंडिया। इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे आता है पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के मामले में भारत फर्स्ट पोजीशन पे आता है। सेकंड मोस्ट पॉपुलियस कंट्री है चाइना एंड थर्ड पोजीशन पे आता है USA। USA इज़ द थर्ड मोस्ट पॉपुलियस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, USA। पॉपुलेशन इंक्रीज बाई डिफरेंस बिटवीन बर्थ डेथ इन ए पर्टिकुलर रीजन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम इज नोन एज व्हाट? देखो, क्वेश्चन पे बोला गया है कि पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होता है डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ इन ए पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर रीजन पे, ठीक है, क्या होता है अगर पॉपुलेशन बढ़ता है मेनली बर्थ एंड डेथ का डिफरेंस में, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। चलो इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, एक MCQ को तीन चार तरीके से घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा समझते हैं। अगर डिफरेंस निकालोगे बर्थ रेट एंड डेथ रेट के बीच में, इसको कहेंगे नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ और नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मतलब सिर्फ अगर आप पॉपुलेशन ग्रोथ को देखोगे, ठीक है, उसको कहेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जिसमें माइग्रेशन भी इंक्लूड होगा, बर्थ डेथ सब कुछ इंक्लूड होगा। पॉजिटिव ग्रोथ मतलब जब सिर्फ पॉजिटिव मतलब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और नेगेटिव ग्रोथ मतलब जब पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज से ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, उसको कहेंगे नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो MCQ को घुमा फिरा के भी पूछ सकता है। एक ही वीडियो में हम मेनली 20 MCQ डिस्कस करेंगे, बट घुमा फिरा के और भी 20 MCQs हम डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डेवलपमेंट? यहाँ पे कौन सा ऐसा चीज़ है जो डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है, डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वो है पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। अब देखो, पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी कैसे होगा, देखो समझो। अगर पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी रेफर्स मतलब हमारे लाइफ के जो चीज़ें हैं, लाइक जैसे कि रोड्स हो गया, स्कूल्स हो गया, कॉलेजेस हो गया, एजुकेशन हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ होता है, हेल्थ सेक्टर हो गया, ठीक है। तो जो हमारे लाइफ में, जो हमारे सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लाता है इन द क्वालिटी ऑफ अ सोसाइटी, क्वालिटी ऑफ अ लाइफ, उसको कहते हैं पॉजिटिव चेंज, ठीक है। पॉजिटिव चेंज इज क्वालिटी, तो वो एक चूँ क्या दिखाते हैं, वो एक्चुअली हमको डेवलपमेंट शो करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, Which one of the following scholar introduced the concept of human development? कौन से scholar ने human development का जो concept है, human development का जो definition है, वो कौन से scholar ने दिया था? इसका answer होगा आपका option B, Dr. मोहम्मद उल हक, ठीक है। Dr. मोहम्मद उल हक जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने human development का जो concept था पूरे world को दिया था, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ द एक्टिविटीज आर प्राइमरीली एसोसिएटेड विद द क्वार्टिनरी सेक्टर? देखो, हमको पता है मेनली हमारे सेक्टर्स में चार पांच सेक्टर हम इंक्लूड करते हैं, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टर्शियरी सेक्टर हो गया, क्वार्टिनरी सेक्टर हो गया, ओके, और क्वीनरी सेक्टर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली क्वार्टिनरी सेक्टर में कौन सा चीज़ आएगा? देखो, पहला तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, वो तो नहीं आएगा क्योंकि वो सेकेंडरी में आता है। तीसरा हो गया आपका एग्रीकल्चर, वो भी नहीं आएगा, वो प्राइमरी में आता है। कंस्ट्रक्शन आपका हो गया सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो आंसर ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा, जो किस में आता है, क्वार्टिनरी सेक्टर में आता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ क्वार्टिनरी एक्टिविटी? यहाँ पे कौन सा क्वार्टिनरी एक्टिविटी का एग्जांपल नहीं है? देखो, ये नॉट वाला क्वेश्चन CVT में पूछने का गारंटी मेरा है। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा जिसमें नॉट वाला पूछेगा, ठीक है, तो नॉट वाले को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो यहाँ पे बताया गया कौन सा क्वार्टिनरी एक्टिविटी के अंदर नहीं आता है, कौन सा क्वार्टिनरी एक्टिविटी के अंदर नहीं आता है, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च, वो तो क्वार्टिनरी एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वो भी आता है। टीचिंग नहीं आता है, वो होता है सर्विस सेक्टर, ठीक है, ये सर्विस सेक्टर के अंदर होता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर, वो भी आता है। तो आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। टर्म फॉर द ट्रांसफर ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स फ्रॉम वन मोड ऑफ ट्रांसफर टू अनदर ड्यूरिंग ए जर्नी,
क्या कहते हैं उसको, जो ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड कोई भी हो गुड्स एंड पैसेंजर्स को, ठीक है, जो एक मोड से दूसरे मोड तक ट्रांसफ़र करते हैं उसको क्या कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट MCQ है, विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवेज नेटवर्क। पूरे विश्व में कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके अंदर हाईएस्ट डेंसिटी है रेलवे नेटवर्क का। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, रशिया, जिसके अंदर हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क पाया जाता है। क्वेश्चन है, विच फैक्टर इज नॉट कंसिडर्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड। कौन सी चीज़ को बैलेंस ऑफ ट्रेड के कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं किया जाता है, कौन सी चीज़ को बैलेंस ऑफ ट्रेड के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आगे बढ़ने से पहले आप सब CUET एस्पिरेंट्स के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूचना, ह्यूमैनिटीज़ कक्षा आपके लिए लेके आए हैं मॉक टेस्ट। हमने आपके लिए CUET 2024 एग्ज़ाम के लिए सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट, इन सब्जेक्ट के लिए मॉक टेस्ट का अरेंजमेंट किया है। आप हमारे मॉक टेस्ट को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन कहाँ तक है, आपको कितना मार्क्स CUET में मिल सकता है। इस मॉक टेस्ट में आपको इमीडिएट आंसर्स मिल जाएगा, आपको कितना मार्क्स आया वो भी आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा। आपको हर सब्जेक्ट का मोर देन 20 मॉक टेस्ट मिलेगा जिसमें आप आपको इम्प्रूव कर सकते हो फॉर CUET एग्जामिनेशन। सो हमारे इस मॉक टेस्ट को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मॉक टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिया हुआ व्हाट्सअप नंबर पर आप ज़रूर हमको मैसेज कीजिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट MCQ है, द पीरियड ऑफ 1991 एंड द 1921 इज रेफर्ड एज द पीरियड ऑफ, आ गया 1901 से लेकर 1921 का जो पीरियड है, इस पीरियड को हम किस नाम से जानते हैं और इस पीरियड को स्पेशली क्या कहलाते हैं। इस पीरियड को हम स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कहते हैं। जनरली आपको पता होगा चार फेजेस है पॉपुलेशन ग्रोथ का, ठीक है, उनमें से जो फर्स्ट फेज है 1901 से 1921 उसको हम स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। और भी तीन फेज है, एक है आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोशन जो 1951 से लेकर 1981 तक चला था, और नेक्स्ट है आपका जो स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, और ये चला था 1921 से लेकर 1951 तक, ठीक है, और प्रेजेंटली जो चल रहा है वो है नॉर्मल पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, जो उतना ज़्यादा भी नहीं है उतना कम भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्लीट पॉपुलेशन सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया इन व्हिच ईयर। देखो भारत देश में पहला जो पॉपुलेशन सेंसस था वो कंप्लीटली कब कंडक्ट करवाया गया था, वो करवाया गया था 1881 में, एंड आज भी पॉपुलेशन सेंसस हर 10 साल में एक बार होता है। आपका नेक्स्ट MCQ है, व्हिच इज द मिडिवल टाउन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है CUET में कि कौन सा मिडिवल टाउन है, कौन सा मिडिवल टाउन नहीं है, कौन सा मॉडर्न टाउन है, कौन सा मॉडर्न टाउन नहीं है, कौन सा एंशियंट टाउन है, कौन सा एंशियंट टाउन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कौन सा मिडिवल टाउन है, ये आपको पूछ रहा है। आंसर ऑप्शन सी, दिल्ली इज द मिडिवल टाउन, क्योंकि पाटलिपुत्र इज द एंशियंट टाउन, चंडीगढ़ एंड मुंबई इज द मॉडर्न टाउन। आपका क्वेश्चन है, What is the term for the production of goods using raw material that are extracted through the agriculture, forestry and mining? एकदम बहुत ईजी चीज़ है, इसका आंसर होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कैसा ऐसा कौन सा काम है जिसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है एंड एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया जाता है। देखो प्राइमरी प्रोसेसिंग तो ऐसा नहीं होगा, सर्विस सेक्टर भी नहीं होगा, टर्शियरी भी नहीं होगा, इसमें क्या होता है सेकेंडरी एक्टिविटी, और आप इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन और आप इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हो। What term is used for the region where secondary activities are concentrated as well as developed? ऐसा कौन सा जगह, ठीक है, और आप कह सकते हो जिस जगह में सेकेंडरी एक्टिविटी को डेवलप्ड किया जा रहा है, जिस जगह में ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होता है उस जगह को क्या कहते हो। एकदम ईजी है, सेकेंडरी लिंक इससे इंडस्ट्री से, सो इंडस्ट्रियल रीजन हो जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के काम होते हैं उस रीजन को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल रीजन। क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसह्यूमेंस, बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्रांसह्यूमेंस मतलब क्या होता है, ट्रांसह्यूमेंस मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ सीजनल माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन प्लेजर टू माउंटेन्स वाइस वर्सा। इसका मतलब होता है कि आप गर्मियों में क्या कर रहे हो, गर्मियों में आप जो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया से ठंडी माउंटेनियस एरिया में जा रहे हो, एंड सर्दियों में आप ठंडी माउंटेनियस एरिया से उतर के प्लेन गर्मी वाले एरिया में आ रहे हो, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसह्यूमेंस, ठीक है। MCQ है, इन विच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डायरी फार्मिंग इज नॉट प्रैक्टिस। यहाँ पे कौन से चार कंट्री का एग्जाम्पल दिया गया, चार में से कौन से कंट्री में डायरी फार्मिंग को प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। आंसर होगा ईस्टर्न यूरोप, क्योंकि साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया में भी बहुत ज़्यादा
डायरी फार्मिंग होता है। हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर किसको माना जाता है? यहाँ पे मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर कार्ल रिटर जो थे उनको मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर माना जाता है। अब आप बोलेंगे कि नहीं हम्बोल्ट होगा। देखो मॉडर्न ज्योग्राफी के फादर माना जाता है हम्बोल्ट को, बट मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर माना जाता है कार्ल रिटर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is the term for the transfer of passengers and goods in the mode of transport and the another during the journey? ये होगा multimodal transport. Question, which seas are joined by the Panama Canal? Panama Canal के द्वारा कौन से sea connect होते हैं? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, Atlantic and Pacific Ocean. ठीक है, ये जो Panama Canal है, ये जो अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका बीच में आता है पनामा कैनल। ठीक है, इसके एक साइड में, इस साइड में आपका पैसिफिक ओशन एंड इस साइड में आपका अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये दोनों ओशंस क्या करते हैं, पनामा से कैनल को कनेक्ट करते हैं, और आप कह सकते हो पनामा कैनल इन दोनों ओशन को कनेक्ट करता है। ठीक है, सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगर आप चाहते हो तो हमारा मॉक टेस्ट का सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए आज के लिए गुड बाय, कल फिर से मिलते हैं, कल फिर वीडियो आएगा। तो हमारे चैनल में डेली वीडियो आएगा आपसे लेकर CVT के एग्जाम की डेट तक, डेली वीडियो आएगा, एक भी वीडियो मिस नहीं करना है, एक भी वीडियो नहीं छोड़ना है। एंड सारे दोस्तों को, अपने जितने भी दोस्त हैं CVT के, सारे दोस्तों को सारे ग्रुप में एकदम धमाकेदार से ये वीडियो शेयर कर दो। चलो आज के लिए वेरी गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।